बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है 3.7 वाला। बेटा इस न्यूमेरिकल में हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ कहता है टू मैसेज 26 केजी एंड 24 केजी आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। 26 केजी इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। 24 न्यूटन मास इज अप्लाई मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब बेटा यहाँ पे दो आपके पास जो है ना वो मैसेज दिए हुए हैं और कहता है आपके पास इसमें एक पुली है और इस पुली के ऊपर बेटा आपके पास जो है ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग के साथ बेटा जो है इस स्ट्रिंग को हमने लटकाया हुआ है और इसके साथ एक ये मैस है M1 और एक मैस है यहाँ पे नीचे लटक रहा है M2। बेटा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ये M1 है और ये वाला जो है वो M2 है, या ये M1 कह लें ये M2 कह लें, लेकिन ये एक जो है वो टेबल पे पड़ा हुआ है जो 26 kg है और जो दूसरा बेटा जो हॉरिजेंटली वर्टिकली बेटा जो ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, वर्टिकल जो लटक रहा है ये कितना है, ये 24 kg है। अब बेटा आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने इसमें फाइंड ये करना है जो आपके पास बेटा वर्टिकल होगा उसको आपने M1 कह देना है और इसको आपने M2 कह देना है, यानी M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है वो 24 kg है और जो M2 की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 26 kg है। आपने इसमें बेटा एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन टी फाइंड करनी है। अब बेटा देखें, सबसे पहले अब हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे। इसमें बेटा जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा जो 3.6 था बेटा उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें बेटा आपके पास आएगा M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। अगर ये दोनों बेटा आपके पास ये मैस और ये मैस दोनों वर्टिकली होते तो यहाँ पे फार्मूला क्या आना था, ये भी बेटा टेबल पे ना पड़ा होता, हॉरिजॉन्टल ना होता, ये भी वर्टिकल होता तो M1 माइनस M2 और सारा बाकी सेम आना था, लेकिन अगर एक हॉरिजेंटल है दूसरा वर्टिकल है तो फिर M1 सिर्फ आएगा। अब इधर बेटा आपने जो है वैल्यू पुट कर देनी है, M1 की वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाय M1 की 24 प्लस M2 की है 26 मल्टीप्लाई जी वो 10 होता है तो A कितना आ जाएगा 24 ओवर, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 50 और मल्टीप्लाई 10, ये जीरो इससे कट जाएगा। अब बेटा आपने 24 को किस पे डिवाइड कर लेना है, 5 पे डिवाइड कर लेना है। तो हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं, कैलकुलेटर पकड़ा बेटा 24 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हमारे पास आ गया 4.8, एक्सेलरेशन का आंसर आ गया 4.8 और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा आपके पास एक आंसर आ गया। दूसरा आपने इसमें क्या फाइंड करना था, टेंशन। तो बेटा टेंशन फाइंड करने का हमारे पास टी का फार्मूला है, टी इज इक्वल टू इस वाले में बेटा ये है M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई जी। अगर दोनों मैस बेटा वर्टिकली जो है हैंग होते तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या आना था, साथ इधर 2 आना था, लेकिन इस वाले केस में नहीं आएगा। अब M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24 ये है बेटा M1 24, M2 कितना है 26 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई जी वो कितना है 10। अब बेटा इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 मल्टीप्लाई 26 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 24 डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करेंगे ये 50 हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये 10 एज इट इज आ जाएगा। अब बेटा आपने ये जो है जीरो इस जीरो से काट जाएगा, आप ऊपर आपके पास 6 24 को 1 से करेंगे 6 24 ही रहेगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। जब इस 624 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 125 और बेटा जो टेंशन होती है इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसके साथ ही बेटा हमारा जो न्यूमेरिकल था 3.7 वाला वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।